फ्रेंड्स, हम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से 3D होम में डोर और विंडो को प्लेस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने इस घर को देखा था, अगर आप रियलिस्टिक में इसको देखें तो आपको याद आएगा हमने लास्ट सेशन में इस घर को बनाया था। आज के वीडियो में हम लोग इसको इस पर एक डोर और विंडो प्लेस करने जा रहे हैं। तो डोर और विंडो प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको डोर एंड विंडो को बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी एक व्यू में चले, जैसे हमने फ्रंट व्यू में लिया, और फ्रंट व्यू में जाने के बाद यहाँ से इसको वायर फ्रेम में कर लीजिए, जिससे आपको ड्राइंग बनाने में इजी हो, और फिर आप तुरंत ही एक डोर एंड विंडो तैयार कर दीजिए। डोर विंडो तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जस्ट आपको देना है। अभी देखिए, यहाँ पर डायनेमिक इनपुट आपका ऑन नहीं है, सो डायनेमिक इनपुट आप ऑन कर लोगे तो आपको ड्राइंग बनाने में इजी आएगा। ये डायनेमिक इनपुट है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कितना फिट हम चल रहे हैं, कितना फिट नहीं चल रहे हैं। यू कैन कलेक्ट एलिमेंट्स, सपोज मैं 3 फीट बाई 7 फीट का हमने डोर लिया, और वैसे हमने इधर की ओर भी 3 फीट बाई 7। डन। आफ्टर दिस सबको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जे लिख के एंटर करिए ज्वाइन, और उसके बाद ओ लिख के एंटर करिए ऑफसेट, और 2 इंच का आप फ्रेम की थिकनेस दे दीजिए। आफ्टर दैट आर्क लीजिए, और फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड इस तरह से आर्क बना दीजिए। एक आर्क यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो हमने इस तरह से एक डोर बनाया, और डोर बनाने के बाद इसमें थिकनेस देना है। थिकनेस देने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक किया तो ये आपसे पूछता है कितना थिकनेस आपको देना है। मैंने बोला 3.5 इंचज़ का हमको थिकनेस देना है, तो हमने 3.5 लिख के एंटर कर दिया। आफ्टर दिस फॉर सेम, इसके लिए भी हमें थिकनेस चाहिए, तो फिर से प्रेस पुल कमांड लीजिए, और यहाँ पे फ्रेम लीजिए, और फ्रेम को थिकनेस दे दीजिए। हमने कहा फ्रेम को हम 2.5 इंचज़ का थिकनेस देना चाहते हैं, 2.5 तक एंटर कर दिया। आफ्टर दिस फॉर दिस वन, इसके लिए भी हमने कहा कि इसको हम लोग 2 इंचज़ का, 2 इंचज़ फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, एंड सेम फॉर फ्रॉम दिस साइड 2 इंचज़, और इसको हमने कर दिया 2.5 इंचज़ अगेन, 2.5 इंचज़ एंड 2.5 इंचज़, सॉरी 2.5। इस तरह से हमने एक डोर तैयार कर लिया, और इस डोर को आप जैसे आइसोमेट्रिक में देखेंगे ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें एकदम अच्छे से पहचान हो डोर का, इसके लिए आपको इसका मटेरियल चेंज कर देना चाहिए। मटेरियल चेंज करने के लिए MAT जस्ट क्लिक करके एंटर करना है। यहाँ से हमें ढेर सारे डोर के मटेरियल मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने बोर्ड लिया, बोर्ड लेके हमने कुछ जगहों पे बोर्ड लगा लिया, कि यहाँ पर हमने बोर्ड लगा दिया, और आफ्टर दिस यहाँ पे हमने स्टोन्स डाले, अदरवाइज यू कैन यूज़ ग्लास ऑल्सो। तो हमने ग्लास लिया या स्टोन लिया, स्टोन लेके हमने यहाँ पे स्टोन पैड किया, एक्चुअली इट्स नॉट स्टोन, इट्स स्टोन सनमाइका, एंड लाइक का जस्ट क्लिक किया, एंड देन यूज ग्लास ऑल्सो, ग्लास फ्रॉम हियर एंड टेक एनी ग्लास, नॉट हियर, हियर गुड इज गुड। आई वॉन्ट टू चेंज ग्लास बट हियर, सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर भी मैं ग्लास लगाना चाहूँगा, यस इस तरह से, और कॉर्नर कॉर्नर पर मैंने लगाया, कुछ और लगा देते हैं। जैसे हमने पेंट लिया, और पेंट लेके अच्छी तरह का कोई पेंट हमने यहाँ पर पेंट लिया, दिस वन, ये तो भी हमें अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक डोर तैयार कर लिया। अब इस डोर को हमको जहाँ भी 3D होम में अपने घर में लगाना है उसको हम लगा लेंगे। डोर तैयार करके यहाँ पे इसको सबसे पहले यूनियन कर दीजिए, यूनियन करके जैसे आप सबको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो ये सब कुछ यूनियन हो जाएगा, और इसको मूव करेंगे तो आपको इसका 2D ऑब्जेक्ट यहाँ मिल जाएगा। 2D ऑब्जेक्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए इस डोर को कैसे घर पर लगाना है, लाइक आप हम लोग वहाँ पर कैसे लगाएंगे, अपने होम में कैसे लगाएंगे। तो होम में लगाने के लिए आपको, मैंने एक लास्ट सेशन में पढ़ाया होगा, एक अलाइन नाम की कमांड होती है यहाँ पे, अलाइन। तो अलाइन नाम की कमांड को हम लोग कैसे यूज करेंगे ये देखिए, मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्लो हो गया है,
ये देखिए अब मुझे इस डोर को लगाना है, तो कहाँ पे लगाना है वहाँ पे देख लीजिए आप, लोकेशन देख लीजिए, और सबसे पहले इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कर लीजिए। ये आइसोमेट्रिक व्यू में किया, और फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ए एल मीन्स अलाइन कमांड ए एल इंटर। आफ्टर दिस लाइक जहाँ भी क्लिक करना है यहाँ से उठाइए, और यहाँ उठा के को जहाँ पे प्लेस करना है, सपोज हमें इस क्लेट को यहाँ पे प्लेस करना है लाइक यहाँ पे, तो इधर इस कॉर्नर पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद जस्ट इंटर जैसे ही करेंगे आप तुरंत ही अच्छे से डोर ये प्लेस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक डोर प्लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसलिए डोर को प्लेस कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको हैबिट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत ही आपको इजली नहीं हो जाएगा। अब इससे मुझे यहाँ पे एक विंडो लगानी है, ठीक है। विंडो लगाने के लिए चलिए एक विंडो भी तैयार करते हैं। तो विंडो तैयार करने के लिए फिर से हम लोगों ने यहाँ से फ्रंट व्यू लिया, और फ्रंट व्यू लेके 4x4 के जल्दी से विंडो तैयार कर देते हैं। 4 फीट x 4 फीट सेलेक्ट किया, जे इंटर ज्वाइन किया सबको, और इसको ज्वाइन करके ऑफसेट किया हमने इसको 2 इंच का, इसके बाद लाइन कमांड लिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन क्लिक किया, सेलेक्ट किया इस लाइन को, ऑफसेट कर दिया इसको हमने 1 इंच इधर की ओर फ्रेम को, और 1 इंच इधर की। मेन विंडो को हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पर आर्क लिया, और आर्क लेके इस तरह से हमने एक मॉडल दे दिया अपनी विंडो को लाइक दैट। देखिए मॉडल बहुत ढेर सारे आप बना सकते हो, लेकिन ट्यूटोरियल्स में मेरे लिए एक मॉडल बनाना इनफ है, सो हमने एक मॉडल तैयार कर दिया यहाँ पे। और इस मॉडल को तैयार करके अभी से हमने इसको इसको रिप्रेसफुल करके विंडो को सेव दे सकते हैं। सो हमने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके हमने बोला इसको थिकनेस हम देंगे 3 इंच का, तो हमने 3 इंच का थिकनेस दे दिया इसको, और इसको हमने 2.5 इंचेस का दिया, इसको भी हमने 2.5 इंचेस का दिया, इसको हमने 1 इंच का दिया, इसको भी हमने 1 इंच का दिया, इसको भी हमने थिकनेस 1 इंच का दिया 1 इंच ओके। और यहाँ पे हमने ये जो पीस का पार्ट है इसको हमने 2.5 इंच का दिया, ठीक है। अब इसको अलग अलग करने के लिए हम लोग अभी MAT यूज़ करेंगे, MAT इंटर मटेरियल प्रॉपर्टी, तो उससे हमारे प्रॉपर्टीज़ का सभी अलग अलग दिखने लगेगा। उसके लिए अगेन MAT इंटर, एंड आफ्टर दिस लाइक यू कैन चेंज कलर्स वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक आई वॉन्ट टू यूज़ अ पेंट, नॉट पेंट एक्चुअली आई वॉन्ट टू यूज़ वुड, तो जस्ट क्लिक वुड, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिया लकड़ी, और इसको यहाँ पर और यहाँ पे प्लेस कर दिया, डन। आफ्टर दिस लाइक हम लोगों ने स्टोन लिया, स्टोन लेके यहाँ पे थोड़े थोड़े स्टोन डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने स्टोन डाल दिया, यहाँ पे भी हमने स्टोन डाल दिया, बीच में हमें यहाँ पे ग्लास लगाते हैं, ग्लास लगाने के लिए ये मिरर, और मिरर में आने के बाद कोई भी कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने इसके लिए एक मिडिल ऑब्जेक्ट के लिए ले लिया, डन। और आउटर ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे कुछ अलग सा लेते हैं यूज़ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हमने आउटर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिक्विड लिया, लाइक हमने एक हमारे लिक्विड को यूज़ किया, तो वो लिक्विड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हमारा पेंट है उसके ऊपर लिक्विड इस तरह से यूज़ कर लिया, ठीक है। आफ्टर दिस ये इसका कलर मुझे थोड़ा चेंज करना है, नॉट लाइक गुड लाइक दैट, सो आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग डिफरेंट, तो हमने इसको लिया और इसको वाइट कलर से, सॉरी इस पर ब्लैक पे मुझे मटेरियल लगाना है, तो हमने यहाँ से वाइट कलर का ये बोर्ड का कलर लिया और इस तरह से लगा दिया, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आफ्टर दिस लाइक हमको सबको यूनियन कर देना है, तो यूनियन कौन लिया, यूनियन कौन लेके उसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके इंटर सब ज्वाइन हो गए, और अब इसको फटाफट हमको इसको प्लेस कर लेंगे। मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैंने आपको बताया था ए एल इंटर, और यहाँ पे आपको इस पॉइंट को पकड़ना है जिस पॉइंट को लगाना है, मिडिल पॉइंट को पकड़िए इसके, वो जहाँ पे लगाना है उसके मिडिल पॉइंट को पकड़ लीजिए। एक मुझे यहाँ पे प्लेस करना है इसके मिड पॉइंट पे,
आप क्लिक कर जैसे एंटर करेंगे, आई थिंक सेलेक्ट नहीं था, इसको क्लोज करके फिर से यूज़ कर लीजिए एलाइन कमांड को, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ए एल एंटर, और फिर हमें इसके मिडिल पॉइंट को पकड़ना है। मिडिल पॉइंट को पकड़ने के बाद यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करना है, और क्लिक करके जैसे एंटर करेंगे तुरंत आपका डोर प्लेस हो जाएगा। बट ये डोर का साइज़, इस डोर का साइज़ आई थिंक ज़्यादा है, लाइक मुझे दिख रहा है शायद ये 5 फीट का है, इसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा विंडो बनाना पड़ेगा जो 4 फीट बाई 5 फीट का हो, तो ईज़िली यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग इसको नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग आई थिंक ये साइज़ कहीं और का होगा, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्लेसफुल कमांड से इसको इस एरिया को फिल कर सकते हैं। इस यहाँ पर क्लिक करिए, और क्लिक करके हमने इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे फिर फिल दैट एरिया, तो हमने देखिए क्या किया, उसको 4 फीट का कर दिया, जो विंडो की स्पेसिंग थी उसको हमने चेंज करके 4 फीट का कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डोर और विंडो को प्लेस कर लेंगे। इसी तरह से आप वेंटिलेशन को भी लगा के फिल कर सकते हैं कि किस तरह से वेंटिलेशन लगाएंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारा एक डोर प्लेस हो चुका है यहाँ पे, और एक विंडो प्लेस हो चुका है। तो दैट मीन हमने आपको बताया किस तरह से डोर और विंडो को प्लेस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही डोर और विंडो को प्लेस करने में तो कमेंट करिए नीचे, और अगर फिर भी नहीं शॉट आप स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं अपने ड्राइंग का, मैं आपको प्लेस करके दिखाऊंगा किस तरह से उसको प्लेस करते हैं। और इसी तरह से आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपसे यहाँ पे किस तरह से फ्लोर लगाएंगे, किस तरह से रूफ लगा के इसको सेकंड फ्लोर पे ले चलेंगे ऑटोकैड में 3D होम को। और ऐसे ही मेरी एक रैबिट सीरीज आ रही है, रैबिट सीरीज में इसी प्लान को हम लोग रैबिट आर्किटेक्चर में इम्पोर्ट करके देखने वाले हैं कि किस तरह से रैबिट आर्किटेक्चर में इस घर को बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। फॉर मोर अपडेट्स एंड फ्यूचर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।